नमस्ते मैं डॉक्टर रेणु शर्मा योगा इंस्ट्रक्टर और फिजियोथेरेपिस्ट आज हम बात करेंगे लो बैक पेन के बारे में लो बैक पेन लो बैक पेन कुछ भी डिसकंफर्ट आपके बैक रीजन में लोअर और लोअर बैक रीजन में उसको हम लो बैक पेन कहते हैं लो बैक पेन के क्या रीजंस हो सकते हैं लो बैक पेन आपको स्ट्रेस की वजह से भी हो सकता है न्यूट्रिएंट टिफिसिक डाइट की वजह से भी हो सकता है सिगेंट्री लाइफ की वजह से भी हो सकता है और आपका मूवमेंट कम है जैसे मैंने बताया सिगेंट्री लाइफ की वजह से भी हो सकता है दीज आर द रीजन्स फॉर लो बैक पेन और पोस्टरल भी हो सकता है पोस्चुरल को हम सेकेंडरी लाइफ स्टाइल में आजकल ज़्यादा लेंगे बिकॉज लोग ऑफिसिस में ज़्यादातर अपना एक जगह पे बैठ के काम करते रहते हैं और वो पोस्टरल प्रॉब्लम्स इंक्रीज करता है और जिसके कारण से आपका लो बैक पेन आता है तो उसके लिए हमें क्या आसनास करना चाहिए किस तरह का योगा करना चाहिए आइए देखते हैं फर्स्ट आसन हस्त पाद अंगुष्ठान आसन उसमें लेट जाइए both hands in the side bend your right knee hold your right toe with your right hand lift your leg hold hold for few seconds few breaths and again relax same you can repeat on other side रिलैक्स दिस विल हेल्प टू रिलीज द टेंशन इन योर लोअर बैक एंड हेल्प टू रिलीव योर लो बैक पेन लो बैक पेन के लिए हमें एक तो फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज करना है और दूसरा अपने मसल्स को स्ट्रेंथन करना है उसके लिए हम ये योगासनस कर रहे हैं नेक्स्ट बैंगियो बोथनीज होल्डियो नीज नीज टू चेस्ट Hold it tightly. Hold for few breaths. Pavan Muktaasan. If you are comfortable in this, just lift your head up. Try to touch your forehead on the knees, and again relax. Again, this asana stretch your back and help to relieve your lower back pain. थर्ड आसना सुप्त वक्रासन बोथ हैंग्स शोल्डर लेवल बाय द साइड नेक्स्ट इज सुप्त वक्रासन हैंग्स बाय द साइड शोल्डर लेवल बोथ नीज बैंक दोनों नीज को आप राइट साइड ले जाइए ऑन द फ्लोर हैग लेफ्ट साइड होल्ड फॉर फ्यू प्रे देन सेंटर देन लेफ्ट साइड Center. Repeat it for a few times, five to six times maybe. Center. Other side. Center. And relax. Again, relax straight. And relax. Next is Bhujangasan. लेग चाहिए पेक के बल लाई डाउन ऑन योर चेस्ट टेक बोथ बोक्स योर चेस्ट लेवल इनहेल आर्च बैक एल्बोज शुड बी लिटल बैंक शोल्डर्स रिलैक्स लुक अप होल्ड फॉर फ्यू ब्रेथस अगेन डाउन एक्सेल एंड डाउन ड बैंड नेक्स्ट इज यष्टिकासन यष्टिकासन में अपने दोनों हाथों को ऊपर लेके जाइए फ्लोर पे रखिए अपने टोज को नीचे की तरफ पुल करिए होल स्ट्रेच करिए अच्छे से अपने टोज को लेग्स को बैक को ये आपके बैक से स्ट्रेस को रिलीव करेगा और इमोशनल एस्पेक्ट पे काम करेगा स्ट्रेस कम होगा मसल स्पैस मसल टेंशन कम होगा और उसकी वजह से आपका लोअर बैक पेन डिक्रीज होगा एंड रिलैक्स यू कैन रिपीट दिस आसन ऑल्सो फाइव टू सिक्स टाइम्स हैंड्स को नीचे लेके आने की जरूरत नहीं है यू कैन स्टार्ट फ्रॉम हेयर जस्ट टोज को पोजिशन चेंज किया है मैंने अगेन टोज को स्ट्रेच करिए फीट स्क्रेच हैंड स्ट्रेच बैक स्ट्रेच लेग स्ट्रेच Hold for few seconds. Breathing should be normal. And again, relax. This is Tikasana. This asana also you can repeat for five to six times. Next is Pose. Dhanurasana. Leg jaiye. Pick cable. Lie down on your chest. Bend your both knees. Hold your ankles. Inhale, lift your chest up, lift your thighs up, and hold for a few seconds. And relax. You can do this asana also for a few times. Inhale, head up, thighs up, and hold.

then slowly come up you can repeat this again for five to six times with the hold of five to six seconds repeat every asana for five to six times with the hold of five to six breaths next abhi jolog office jate hai, they can't do these asanas in the office तो ऑफिस में हम कुछ पोजिस जो हम बैठ के चेयर पे बैठ के कर सकते हैं वो कौन कौन से हैं आइए देखते हैं तो आइए देखते हैं कुछ आसनास जो हम ऑफिस में भी कर सकते हैं फर्स्ट ऐसे आप चेयर पे थोड़ा सा आगे बैठ जाइए इनहेल बोथ हैंड्स बैक साइड किसी भी चेयर पे कर सकते हैं ऑफिस चेयर पे भी आप ये सब कर रिपीट कर सकते हैं अगेन सेंटर अदर साइड अगेन सेंटर बट डो नॉट मूव योर फीट अपने आपने फीट मूव नहीं करने पैरों को उसी जगह में रख के जस्ट रोटेक योर बैक एज मच एज यू कैन डू और ब्रीदिंग नॉर्मल अगेन सेंटर अदर साइड सेंटर रिपीट फॉर फ्यू टाइम्स

Come to the center, other side. Repeat for few times एंड रिलैक्स इसके साथ साथ जब आप बैठे हुए हो अपने ऑफिस में काम कर रहे हैं तो उस टाइम पे आपको थोड़ा ब्रेक्स लेना है ट्राई करिए आफ्टर एवरी वन आवर और टू आवर एक राउंड लीजिए अपने ऑफिस एरिया में ही डेट विल हेल्प टू रिलैक्स योर मसल्स आपके बैक मसल्स को रिलैक्स करेगा स्ट्रेस कम होगा मसल स्पास कम होगा और लो बैक पेन कम होगा और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए अपना कैल्शियम इंटेक अच्छा रखिए ग्रीन लिफी वेजिटेबल्स अच्छा रखाइए अपना डाइट अच्छा लीजिए इसके साथ ही अगर आपको और कोई दिक्कत आती है या फिर आपका बैक पेन टू वीक्स से ज़्यादा है तो आप डॉक्टर को भी कंसल्ट कर सकते हैं और मुझे भी कंसल्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पे थैंक यू नमस्ते